सभी को नमस्ते, वेलकम टू गुड रेसिपीज़ बाय शिवानी। इंस्टेंट रवा इडली बनाना शुरू करते हैं। रवा इडली बनाने के लिए मैंने एक कटोरे में 4 कप सूजी ली है। इसमें 1.5 कप दही मिलाएंगे। इसके साथ ही 3 कप पानी इसमें मिलाएंगे और इसे अच्छे से 2 मिनट तक विस्क करेंगे। अच्छे से इसको चलाते हुए विस्क करेंगे। अब इसमें 1 कप पानी और मिलाएंगे और अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब इसे ढककर हम 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम मिक्सचर में 2 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाएंगे और 1 मिनट तक इसे अच्छे से विस्क करेंगे, जब तक कि बेकिंग पाउडर मिक्सचर में अच्छी तरह से ना घुल जाए। सॉफ्ट इडली बनाने के लिए इस कंसिस्टेंसी का मिक्सचर होना चाहिए। इडली बनाने के लिए मैंने इस तरह का इडली कुकर लिया है। ये 6 प्लेट वाला इडली कुकर है। इडली कुकर के नीचे एक लाइन की मार्किंग दी गई है। हम इस मार्किंग तक कुकर में पानी भरेंगे और कुकर को गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। जब तक कुकर में पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम इडली प्लेट्स में बैटर फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑयल से प्लेट की ग्रीसिंग करेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसमें डालकर मैंने इसे टिश्यू पेपर से रब कर दिया है। इससे इडली चिपकेंगी नहीं। सभी प्लेट्स की ग्रीसिंग मैंने कर ली है। अब सभी खानों में बैटर फिल कर देंगे। इस तरह से पूरा ऊपर तक फिल करना है। अब एक के ऊपर एक इन प्लेट्स को लगा देंगे और इस तरह से लगाएंगे कि ये जो साइड में होल दिख रहे हैं, इनके नीचे से दूसरी इडली दिखनी चाहिए। अल्टरनेट वे में इस तरह से लगा देंगे। और ये देखिए, पानी हमारा उबल चुका है और कुकर में हम इस स्टैंड को रख देंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इडली को 15 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट तक इसी तरह से कुकर को छोड़ देंगे। ऐसा करने से इडली प्लेट में चिपकेगी नहीं। 5 मिनट के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और हम वेट करेंगे कि ये पूरी भाप निकल जाए। भाप निकल गई है। अब हम एक कपड़े की हेल्प से इसे बाहर निकालेंगे। सभी प्लेट्स को अलग कर लेंगे। और एक चाकू की हेल्प से इस तरह किनारे से घुमाते हुए इडली को निकाल लेंगे। और ये देखिए, सॉफ्ट इडली तैयार है। ऐसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। बहुत ही फ्लफी बनी है। आप इसे सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। सांभर की रेसिपी भी मेरे चैनल पर पड़ी है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।